हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैभव। मुझे सेकेंड राउंड में NDMC मेडिकल कॉलेज एंड हिंदूरा हॉस्पिटल दिल्ली अलॉट हुआ था। तो आज बेसिकली अपने को जाना है वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए। ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस ब्लॉग के थ्रू। हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ब्लॉग शूट कर पाएँ वहाँ का और थोड़ा कैंपस टूर भी आपको दे पाएँ बेसिकली। तो मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, रख लिए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अब चलते हैं और देखते हैं। वैसे एस्टिमेटेड टाइम हमारा पहुंचने का शायद 10 बजे था, बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पर फिर भी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है प्रोसेस में, क्या क्या वो लोग, कितना टाइम लगता है सब कुछ में। तो बेसिकली मैं पहले जा रहा हूँ, मैं अपनी बाइक से जाऊँगा और मैं अपने एक फ्रेंड को पिक करना है मुझे नॉर्थ कैंपस के पास। देन वो और मैं जाएंगे कॉलेज के अंदर एडमिशन कराने के लिए। एंड देन आपके लिए थोड़ा सा NDMC का व्लॉग वगैरह शूट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और बेसिकली आज बहुत सालों बाद ये मेरा ड्रीम ट्रू होने जा रहा है कि मैं MBBS में एडमिशन ले पा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते रहिएगा पूरा व्लॉग। चलिए आपको लेकर चलता हूँ NDMC कॉलेज की तरफ। तो हम हो चुके हैं फुली रेडी, तब चलते हैं NDMC मेडिकल कॉलेज की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस वगैरह होगा और मैं पूरा व्लॉग शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में। मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल के पास और वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का। अब फिर वो और मैं मिलके जाएंगे एडमिशन के लिए। फाइनली हम लोग बहुत मेहनत के बाद पहुँच चुके हैं अपने इंदिरा हॉस्पिटल और NDMC कॉलेज। तो ये पीछे की आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, जैसे कि हॉस्पिटल ब्लॉक। तो अभी चलते हैं, अपनी बाइक को पार्किंग में लगाते हैं और देन एडमिट ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ पीछे का। पहले हम लोगों ने कर बाइक कर दिया पार्किंग, यहाँ पर दिख रही होगी आपको। देन हम लोग चलते हैं एडमिट ब्लॉक की तरफ। मैं यहाँ पर कैंपस के अंदर आ चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ एडमिट ब्लॉक और एडमिशन प्रोसेस जितना हो पाता है हमसे ब्लॉक में। तो हम लोग यहाँ डीन ऑफिस के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट स्लिप वगैरह मिलेगी। एंड देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए मैं आपको सब क्लेम्स दिखाता हूँ। अंदर गया था एडमिट ब्लॉक में, तो मुझे फ़ाइल दी गई है भरने के लिए, तो मैंने वो भर लिया और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मैंने अरेंज कर लिए हैं। तो देखते हैं अब अपनी बारी आएगी तो एडमिशन के लिए जाएंगे अंदर। तो क्या क्या मांगते हैं। उसके बाद मेरे को एडमिशन मिल चुका है। उन्होंने एडमिशन के नाम पर ये 3 स्लिप दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, है ना, देखने से, क्योंकि मेरी फ़ोटो लगी हुई है ना। तो फाइनली जो मेरे दोस्त थे वो भी आ चुके हैं। हेलो गाइस, आपने राहुल भाई है ना। अच्छा, राहुल भाई जिसको पसंद है वो ना कमेंट में लिखना कि राहुल भाई OP। भाई चेहरा देख लो भाई अच्छे से, है ना, ठीक है। तो दिखा दे भाई चेहरा अपना यार, अपना दिखा दे रहा चेहरा यार। तो भाई देखो अब एडमिशन हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कैंपस टूर करते हैं। बाकी आगे वीडियो आती रहेंगी कैंपस टूर की NDMC की, ठीक है। तो चलो करते हैं कैंपस टूर और मज़े लेते हैं। अपने को एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आई ज़्यादा, एक आध डॉक्यूमेंट का था वो उन्होंने कर दिया थोड़ा सा। तो वैसे स्टाफ बहुत अच्छा था यहाँ का, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। ज़बरदस्त भाई स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ था, मतलब बहुत रिस्पेक्ट किया उन्होंने। और मेरे सामने अभी ये NDMC का जो न्यू हॉस्टल बना है मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये देखिए सब तरह के हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, है ना। और मेन बात यहाँ पर दिख रही है आपको कि यहाँ पर रैगिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस घर में देखो, जब मैं आगे गया तो मुझे ये मिले, ये यहाँ के हेड हैं, तो कितने बढ़िया लग रहे हैं देखो, है ना। ओए हेलो, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर दिया, नीट का फॉर्म भर दिया, नीट का बोला अगले साल भरूंगा, अभी मन नहीं है इसका। और बस यहाँ पर देखिए अपनी खुद की बावली है, ये बहुत अच्छी है। बावली वैसे इस कॉलेज का फेमस जो ग्लैम्स है ना, वो यहाँ के मतलब बजरंग बली जी हैं,
मतलब आपको हर जगह यहाँ पर ना मंकी देखने को मिलेंगे बहुत। देख पा रहे हैं अभी हम लोग वहीं का ब्लॉग शूट कर रहे थे, वो बॉयज़ हॉस्टल सीनियर्स हॉस्टल वगैरह हैं, तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से हॉस्टल एरिया से। तो फाइनली हमने डिसाइड किया वापसी मुड़ने का, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बंदर थे, खतरा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। कोई नहीं, वापसी अपने एंट्री भी जाना पड़ता। हाँ, अपने कॉलेज के हेड के पास जाएंगे, है ना। अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा कुछ भूख भी लग रही है, सुबह से आए हुए हैं हम लोग, है ना, तो कुछ खाते हैं, चलिए, है ना। पर बहुत मज़ा आया यहाँ पर, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना कोऑपरेटिव स्टाफ होगा, जल्दी काम हो जाएगा, हमें पता ही नहीं था, पर बहुत मज़ा आया। जो भी है, देखिए ये काम भी होता है, यहाँ नहीं होगा फिर कहाँ पर होगा। दो ये एनडीएम से गाइड, इसने फार्म नहीं भरे, मैंने से कहा था, फार्म भर दिए, अगले जन्म में भरेगा भाई, फार्म भर दिया, फार्म अगले जन्म में भाई, इसने तो भर दिया, खुश लग रहा है। तो गाइज आपको मैं एनडीएम से का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा, ऊपर से बिल्डिंग वगैरह का। बाकी इसका जो ब्लॉग है वो आगे आएगा अपने चैनल पर ही, पूरा परफेक्ट ब्लॉग आएगा, हॉस्टल का अलग और कॉलेज का अलग। बाकी मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, बताइएगा कैसा लगा कमेंट में, ठीक है। आगे ब्लॉग में और इम्प्रूवमेंट करेंगे बढ़िया से। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ एनडीएमसी कॉलेज का, तो देखिएगा, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर, राहुल भाई कहने पर करो भाई हमारे, है ना, वो भी बोलना भाई, सब्सक्राइब एंड शेयर।